कर दिखाया और इसलिए आज भी हमारे मुल्क की पहचान दुनिया के मुल्कों में अलग तरह की है। हमारा भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा भी महान है सदियों से, उसके कारण भी। और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने ये सोच दी देश को, दुनिया को, कि जो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनको कहना पड़ा होगा कि महात्मा गांधी नाम का कोई हाड़ मांस का आदमी इस धरती पर चला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मति से और महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया के मुल्क हर वर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके सानिध्य में लड़ी गई लड़ाई, जंग, आजाद हुआ भारत तो कुछ नहीं था, 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, अब तो करीब 130 देवी देवता विराजमान हैं। आबादी बढ़ती जा रही है, कितने ही काम करती है, विकास के काम कर लो, पर अगर आबादी पर नियंत्रण नहीं होता है तो फिर विकास दिखता नहीं है। तो फिर भी आज़ादी के बाद में, जैसे मैं राजस्थान के लिए कहता हूँ, 13 मेगावाट बिजली थी सिर्फ, राजा महाराजाओं के महलों में खाली वो दिखती थी टिमटिमाती हुई, और 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, हम लोग सरप्लस हो गए हर क्षेत्र में। स्कूलें कहाँ थी गांव में भी, जिलों में स्कूलें कहाँ थी, आज तो स्कूलों के चाहे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, प्राइवेट सेक्टर में तो मेडिकल के भी और नर्सिंग के भी और इंजीनियरिंग के भी जाल बिछ गया। अभी 50 विश्वविद्यालय मैंने अभी 50 कॉलेज मैंने अभी बजट में एक साथ में सैंक्शन किया कि राजस्थान आगे बढ़े, शिक्षा में पीछे नहीं रहे। आपके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ और पहली बार मुख्यमंत्री था, मुझे याद है कि परसेंटेज में हम लोग देश में सबसे पीछे थे, लड़कियों की शिक्षा में भी, SC ST की लड़कियों की शिक्षा तो बिल्कुल नहीं के बराबर थी। आज शिक्षा के अंदर लड़के लड़के बराबर पे आ गए राजस्थान के अंदर। 20 साल में लंबा सफर तय करते करते, चाहे सरकार किसी की रही हो, परंतु आज हम लोग शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं के लेके जो योजना बनाई है हम लोगों ने, उसका लाभ मिल रहा आम जनता को। शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पानी की योजनाएं हो, सिंचाई की योजनाएं हो, और बिजली का मैंने कहा कि जाल बिछ गया पूरे प्रदेश के अंदर। आज तो 4,500 मेगावाट बिजली तो बनती, खाली पवन ऊर्जा से बनती है, हवा से बनती है, और 4,500 मेगावाट का प्लान बन चुके हैं सोलर बिजली बनाने के लिए, रूफ टॉप पे भी बनेगी। एक क्रांति हो गई है सोलर ऊर्जा के माध्यम से, जिस प्रकार IT की क्रांति हुई, राजीव गांधी का सपना था देश के लिए 21st सेंचुरी में जाएंगे तो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की सेवाएं मिलेगी। उनके ज़माने में 18 साल के नौजवान को मताधिकार दिया गया देश के अंदर, 73-74 अमेंडमेंट किए गए संविधान के अंदर, जिससे कि समय पर हो रहे पंचायतों में चुनाव, नगर निकायों में चुनाव। अब सचिवालय के साथी बैठे हुए हो, आपको मालूम है पहले 20-22 साल तक चुनाव नहीं होते थे पंचायतों के भी, ना नगर पालिकाओं होते थे। अब तो चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, टाइम पे चुनाव करने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन स्टेट की होती है। कई काम आज़ादी के बाद में हुए। आज हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं तो उसकी नींव रखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बड़े बड़े बांध बना दिए, बड़े बड़े कल कारखाने, इस्पात के कल कारखाने, IIT IIM, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसरो, और उपग्रह छोड़े जा रहे हैं।
चंद्रयान भी और मंगल ग्रह पे भी, एम्स, ये आज से 70 साल के आसपास 50 के दशक के अंदर बने हैं, 50 के दशक के अंदर। इस प्रकार से जो नींव पड़ी है देश के विकास की, नींव के पत्थर, एक एक पत्थर पंडित नेहरू का लगाया हुआ है, जिसके बारे में आज देखते सोशल मीडिया में क्या क्या बात आती है। इतना कहना चाहूंगा कि सच्चाई का साथ दो, और ये संकल्प करने का दिन भी है कि हम लोग अनेकता में एकता वाले मुल्क के अंदर सब मिलकर चलेंगे। जब ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, और 72 साल की उपलब्धि हमारी है कि रशिया जैसा मुल्क के 15-16 टुकड़े हो गए, अलग अलग देश बन गए, आज हम लोग चाहे इंदिरा गांधी की जान दे दी, वह खालिस्तान ने बनने दिया। उन्होंने कहा था कि मेरी जान भी जाएगी तो मुझे परवाह नहीं, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। और वास्तव में वो सही लोग देश के लिए बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। लंबी कहानी आपको सब मालूम है, राजीव गांधी शहीद हो गए उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। पंजाब के मुख्यमंत्री थे सरदार बहन सिंह जी, ने सबूत कर दिया वहाँ पर आतंकवाद को, आखिर आतंकवाद ने उनको भी शिकार बना दिया। इस प्रकार से आज़ादी के पहले भी बाद में भी ये मुल्क को एक रखने का काम किया है, अखंड रखा है और लोकतंत्र कायम रखा है। पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वहाँ पर बार बार सैनिकों का शासन होता रहा, बार बार प्रधानमंत्रियों को जेल, राष्ट्रपति को जेल, और पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ता, फांसी के फंदे में चला दिया भुट्टो जी को, बेनजी भुट्टो को उड़ा दिया बम से ही। तो रात दिन का फर्क है हमारे मुल्क में और अन्य मुल्कों के अंदर, पड़ोसी मुल्कों के अंदर भी। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि सचिवालय जब मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया, और ये मेरा 10 बार बन रहा होऊंगा, 10 साल, हर बार 2 बार आना पड़ता है, 20 बार तो वो और 2 बार ये, 22वीं बार हो गए, तो 22वीं बार में आया हूँ आपके बीच, 22वीं बार। आप समझो कि सचिवालय के परिवार का मैं भी एक सदस्य हूँ, चाहे मुख्यमंत्री रहूँ या नहीं रहूँ, अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपके इस प्रोग्राम में, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेगा। उपाय अलग है कि सरकार जाती है तो फिर सरकारें नहीं आती है तो फिर हर व्यक्ति घबराता है, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी अधिकारी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने बात भी करी तो पता नहीं हमारी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी, बड़े बड़े अधिकारी घबराते हैं, बात करते हुए, मिलते हुए, नमस्कार करते हुए भी घबराते हैं, जो नहीं होना चाहिए, पर है, एक माहौल बन गया था, जो माहौल भी खत्म करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकारें किसी की भी हो, आपस में प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत रहनी चाहिए, ये भाव होने चाहिए। आपकी मांगों के बारे में जब कभी आपने मांग करी है तो हमेशा जब हमारी गवर्नमेंट रही हमेशा ध्यान रखा और मांगों को पूरा किया, और आप लोगों ने उसके लिए धन्यवाद भी दिया। पिछली बार गवर्नमेंट हमारी थी, सचिवालय कर्मचारी संघ के साथियों ने जो मांगे की रखी, गोविंद शर्मा जी थे फाइनेंस सेक्रेटरी, सब मांगे हमने मानी। अगर शिकायत किसी को हो सकता है तो सिर्फ महेश व्यास को हो सकती है। तो महेश व्यास के वक्त में जो स्ट्राइक हुई थी उसकी शिकायत हो सकती है, बाकी हमने कोई कमी नहीं रखी, जो मांगे मांगी गई वो मांगे हमने पूरी कर ली। अभी सीएस आपको बता रहे थे एक के बाद एक कितने आपके प्रमोशन हुए, कितनी भर्तियाँ हुई, आप निश्चिंत रहो, आप हमसे अलग नहीं हो, हम खुद सचिवालय, जब मैं कहता हूँ कि हम तो खुद आपके परिवार के सदस्य के रूप में हैं, आपके मुखिया चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उस रूप में आप मानते हो, सम्मान देते हो, हम आपके
धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमें याद करते हो, और उन्होंने सुझाव दिया आपको कि अगर प्रोग्राम ढंग से करना है, सुबह 5 बजे से हम निकलते हैं आज के दिन, तो 4-5 जगह जाते जाते आते लेट भी हो जाते हैं। आज तो आपके आपको शुभकामनाएं और बधाई भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भी। इसीलिए आज हमारी बच्चियाँ जो परिवार की है, जिनके अलग तरह के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, हम लोगों को बहुत कम ही मिलते हैं, कि जहाँ हमारे सचिवालय परिवार के परिवारों की बच्चियाँ हैं, वो खुद प्रोग्राम देती, सांस्कृतिक प्रोग्राम, एक अलग मैसेज आता है, अलग सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारी बच्चियाँ भाग ले रही है सांस्कृतिक गतिविधियों का। आज उनका अभाव था, अभी पंकज जी बता रहे थे, क्योंकि रक्षाबंधन है इसलिए संगठन ने तकलीफ नहीं दी परिवार वालों को। पर मैं चाहूँगा, विशेष ने कहा, अभी कार्यकाल ने विचार करें बैठ करके, 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, क्योंकि पूर्व संध्या का भी महत्व होता है। आराम से शाम को प्रोग्राम करो, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो, हम लोग भी आएं और पूरा वक्त दे सकें, बैठ सकें, आपके आपके परिवार वाले साथ आए। अभी तो मेरे ख्याल 2-4% मुश्किल से आए होंगे परिवार वाले, उस पर कंपल्सरी कर दो, उसमें आपके एंटी उसी को मिलेगी जो अपनी पत्नी को बच्चों को लेके आएगा। कम से कम घर से महिला निकल नहीं पाती है, पुरुष उसको निकलने देता नहीं है, पुरुष उसके ऊपर हावी रहता है। पुरुष प्रधान देश कहलाता है, इसीलिए कहलाता है, घूंघट में कैद रखते हैं महिलाओं को। अब 70 साल के बाद में तो घूंघट हटने चाहिए, खुली हवा में सांस ले महिलाएं भी। तो ऐसा प्रोग्राम करो, उसमें हम लोग भी अपने को लेके आएंगे, ये वादा करते हैं, लेके आएंगे और अधिकारी वो भी लेके आएंगे। तो कम से कम एक प्रोग्राम है तो सचिवालय के हमारे कर्मचारी नेता और कर्मचारीगण, अधिकारी और तमाम हम सब लोग एक संग बैठ सके परिवार के साथ, मिलना जुलना तो हो, किसी का भी आपस में भाईचारा बढ़ता है। तो ये बात मैंने कही आप ज्ञापन, और आपके पंकज कुमार जी बहुत ही तो मैंने कहा महोदय को बोलने दो, वो पूरा ध्यान आपको रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे हम लोग आपसे, क्योंकि मुझे अब जाना पड़ेगा। आपको मालूम है 15वां वित्त आयोग आ रहा है, तैयारी भी करनी है, पर फिर भी मैं आज आपके बीच में हाजिर हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बॉब लिचिंग के ऊपर एक प्ले करने का प्रयास किया। 2 हमने अभी कानून पास किए हैं, एक तो मॉब लिचिंग का जो मानवता पर कलंक है कि आप 2 या ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी को मार दो, जान दे दो किसी की, अरे संदेह का लाभ से कल छूट गए वो पहलू खाने वाले भी। पर आप बताइए, आप मॉब लिचिंग किसे कहते हैं? आज आप में हम कोई व्यक्ति जाए, कोई पहचाना नहीं हमें, और कोई गलत समय मार दे किसी को, तो क्या बीतती है परिवार वालों को? राजस्थान ने कानून पास किया है राजस्थान के मामले के लिए। दूसरा, ऑनर के लिए, अगर लड़का लड़की आपस में प्रेम करने लग जाते हैं, मैंने कल संस्कृत के अधिवेशन में भी कहा था, एक तरफ तुम भगवान को मानते हैं तो भगवान की इच्छा थी, इसलिए प्रेम मोहब्बत हो गई आपस के अंदर बच्चों में। बिना भगवान की मर्जी के तो आपस में प्रेम लड़के लड़की में कैसे होता? बिना ईश्वर की कृपा हो सकता है क्या? उनकी कृपा हुई, किसी का किसी से प्रेम हो गया, उसमें माँ बाप कौन होते पंचायती करने वाले? वो भी तो ईश्वर की देन है। आप ईश्वर को मानते हो, माँ बाप ईश्वर को मानते हैं। पहले मैं देखता था कि लड़के लड़की में शादी हो रही है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं,
जितने परिवार वाले दूर रहते थे, शादी आय समाज में हो गई या कोर्ट में हो गई, 6 महीने साल भर तो रूठे हुए रहते थे। फिर धीरे धीरे लड़की वाली लड़की की माँ बुलाती या अपने दामाद को बुलाती, धीरे धीरे फिर प्रेम संबंध वापस जुड़ते, 2-3 साल लगते। अब मैं देखता हूँ कि कार्ड छपते हैं उसमें भी इंटरकास्ट मेरी के कार्ड छपने लगे, ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत। कार्ड छपके शादी हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, और ये जो ऑनर किलिंग है इसकी आप कल्पना करो कि माँ बाप को इतना गुस्सा आता है कि ये जो दूसरी लड़का है दूसरी कास्ट का, ये नीची कौम का है, मैं ऊंची कौम का हूँ, उस चक्कर में या हमारी बगैर मर्जी के लड़के लड़की ने कैसे शादी करने की तय कर लिया, तो उसको मार देते हैं। ऐसी घटनाएँ हुई, अभी हुई है 15-20 दिन मेरे पहले सिरोही जिले की घटना हुई। लड़के लड़की को रास्ते के अंदर अहमदाबाद से रास्ते में जंगल में जाके मार दिया, जला भी दिया। तो आप बताइए हमें कानून बनाना। तो ये जो जमाना बदल गया, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मुट्ठी में दुनिया आ गई आपके, सारा ज्ञान उसमें भरा पड़ा है, गूगल्स के अंदर भी, और सब कुछ हम उसका फायदा उठाते हैं। तकनीकी का विज्ञान का जमाना है, इस प्रकार किसी भी कीमत पे उचित नहीं हो सकता, इसलिए हमें उसके लिए भी ऑनर किलिंग के लिए भी हमें कानून पास करना पड़ा है। और आप सचिवालय क्योंकि मुख्यालय है, आपसे मैं अपील करूंगा कि जो मिलने आपसे आए यहाँ पर राजस्थान भर के लोग, उनको आप जरा जो सरकारी योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं, जैसे 21,000 रुपये हमने देना तय किया है तमाम बीपीएल परिवारों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या जनरल कास्ट हो, बीपीएल जो है उनको लड़की की शादी में 21,000 रुपये देंगे। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, कई घरों में 21,000 में शादी हो जाती है, ऐसे ऐसे घर हैं 21,000 में शादी हो जाती है। आप बताइए, हमने कहा 8 ही पास होना जरूरी है इसलिए जिससे कि आगे कम से कम शिक्षा भी दिलाए बच्ची को। ये बड़ा बड़ा फैसला हमने बजट में घोषणा कर दी है। मैं चाहूँगा कि जैसे मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोर बनाया था मैंने 20 साल पहले, हमने देखा 5 साल में उसका प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ, जिसके अंदर पूरा पैसा इलाज का, चाहे 50,000 खर्च उस जमाने का, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, पूरा पैसा सरकार दे रही थी, पर जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग फायदा उठा पा रहे। फिर दवाएं करी दूसरी बार, उसकी तो पॉपुलरिटी हुई, फायदा बहुत मिला लोगों को। तो कहने का मतलब योजनाएं बनती है, वो बनती है फायदे के लिए, बेनिफिट लोगों को मिले, उसमें मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आपके माँ संघ का भी और कर्मचारी संघ का भी सबका सहयोग हमें मिले सरकार को। और सरकार की जो मंशा है, जो भी सी एस कह रहे थे पारदर्शी जवाबदेही प्रशासन देने की, वो इस मुबारक मौके पर मैं इतने कहना चाहूँगा, एक तरफ तो रक्षाबंधन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बैठे हुए हैं, और शानदार मानसून आ गया राजस्थान के अंदर, मानसून आ गया। मानसून आते ही पूरे राजस्थान के लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, देशवासियों के चेहरे खिल जाते हैं, और सरकार को राहत की सांस लेने का अवसर मिलता है, आप भी उसमें भागीदार हैं। और आज खुशनुमा मौसम देखिए, आपके लिए स्वागत कर रहा सुबह से, जब जब प्रोग्राम शुरू होते हैं उनके पहले बरसात आती है और प्रोग्राम के दौरान रुक जाती है, प्रोग्राम खत्म होने लगता है तो वापस शुरू हो जाती है। आज मैंने देखा है सीएम रेजिडेंस में भी, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी, बड़ी चौपड़ पे भी, और SMS स्टेडियम में भी, और करीब करीब आपके हालात यही है यहाँ पे भी सचिवालय में भी। कितने शानदार मौसम आप बैठे हुए हो, इसलिए आप भी जो बैठे हुए हो अच्छी बात, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।